ऑलराउंडर परिवार की तरफ से आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारा शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, तो आज से बिहार का महापर्व शुरू हो रहा है जिसे हम छठ पूजा कहते हैं। ये एक पर्व ही नहीं, हम बिहारियों का इमोशन से जुड़ा होता है। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिसमें गंगा घाट के बीच कोई भी भेदभाव नहीं होता। छोटे बड़े, अमीर गरीब सब मिलकर ये पूजा का शुरुआत करते हैं। हम सब एक साथ मिलकर अर्घ देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले दिन से। पहला दिन हम कद्दू, चावल और चना दाल खाकर इस पर्व का शुरुआत करते हैं, जिसे हम नहा खा कहते हैं। दूसरे दिन व्रती पूरे दिन निर्जल व्रत में रहती हैं और गुड़ से बना रोटी और खीर बनाती हैं, जिसे वो रात में ग्रहण करती हैं। इसे हम खरना बोलते हैं। इस प्रसाद को लेने लोग बहुत ही श्रद्धा से एक दूसरे के घर में जाते हैं और प्रसाद को लेते हैं। तीसरे दिन भी व्रती व्रत में रहती हैं, फिर भी उनकी उत्साह कम नहीं होती। व्रत में रह के भी वो गुड़ से बना ठेकुआ, खजूर और पूरी बनाती हैं, फिर सूप और दौड़ा सजा। माथे में पगड़ी बांध के दौड़ा उठा के हम गंगा घाट तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में छठ पूजा का गीत गूंजते रहता है। हम सारे लोग उत्साह के साथ गंगा घाट तरफ बढ़ते हैं। हर जगह, हर गली, हर चौराहा पे रंगोली बना रहता है। और फिर हम गंगा घाट पहुँच के डूबते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देके हम घर आते हैं और कोसी भरते हैं। और अगले दिन हम गंगा घाट जाते हैं और उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। और व्रती अदरक को ग्रहण करने के साथ अपना व्रत तोड़ती हैं। तो इसी के साथ हम एक पंक्ति आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं। बिहारी है बड़ो, इतिहास हमसे है, हम इतिहास से नहीं। यहाँ तुम नहीं, आप बोलते हैं। विश्व का सबसे कठिन व्रत हम बिहारी ही करते हैं। अरे हम ही हैं जो तीन दिन निर्जला व्रत करते हैं। हम डूबते सूर्य को ही पूछते हैं और उगते सूर्य को ही पूछते हैं। हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं। तो बोलो जय बिहार और जय हिंदुस्तान।